अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज फिर एक नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम पोटैटो ब्रेड बॉल्स बनाएंगे। उसके लिए हमने दो आलू लिए, इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है हमने। फिर हम इनके पीसेस बना लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। आलू अब हमारे तकरीबन गल चुके हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। जी, ये अच्छी तरह गल चुका, अब इन्हें निकाल लेते हैं, इनका छिलका उतार लेंगे। ये हमने धनिया और सब्ज़ मिर्च को काट लिया है। आलू का छिलका भी हमने उतार लिया है। आलू को अच्छी तरह मैश कर लेंगे हम। ये हमने इन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब इसमें सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें मायोनीज़ ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले ये चाट मसाला हमने ऐड किया, उसके बाद नमक, साल्ट, ये खुश्क धनिया, धनिया पाउडर हमने इस्तेमाल किया, काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड की और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। उसके लिए हमने तवा लिया है, तवे के ऊपर ब्रेड को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। ब्रेड हमारी गरम हो चुकी हैं, अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन में पानी लेंगे, उसमें हल्का हल्का पानी फिर हम ब्रेड के ऊपर लगाते जाएंगे। फिर से ये पानी लग जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने ये मटेरियल तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसका एक बिल्कुल इसको बाउल सा बना देंगे, गेंद की शेप का, बाउल की शेप का। फिर हम इसे उसके साथ लगा देंगे। ये अब तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें अच्छी तरह एक एक करके फ्राई कर लेंगे। हमने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला और ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे।
ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी से और मज़े के लग रहे हैं। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।